गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फाउंडेशन का जो नोमेनक्लेचर है उस नोमेनक्लेचर को बात करेंगे और नोमेनक्लेचर में कॉम्प्लेक्स अल्केन का बात करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को ये टारगेट का भी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, इसीलिए देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्केन। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स अल्केन कहेंगे किसे, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स अल्केन है इसका मीनिंग क्या होता है, किसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स अल्केन। इफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स अल्केन। यदि सब्स्टिट्यूएंट में भी फिर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको ही नाम रख दिया गया है कॉम्प्लेक्स अल्केन। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज एक्सप्रेस इन ब्रैकेट। हम लोग इसको किसमें एक्सप्रेस करेंगे, ब्रैकेट में। तो बात करें हम लोग इस तरह का, चलिए देखिए, नोमेनक्लेचर में हमेशा क्या किया जाएगा, मेन चेन को सर्च किया जाएगा। लगातार क्रम में सबसे अधिक कार्बन होना चाहिए, 1, 6, 7, 11 और 12, ये मेन चेन हो गया। यहां से हम क्या करें, तो ये आ गया हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसको 1' कह दीजिए। उधर की तरफ चले जाइए जिधर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, तो 2' या तो इधर जाएं या इधर जाएं। सपोज कीजिए हम इधर जाते हैं, तो जैसे ही इधर चले गए तो यहां पे ये फिर सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इस मेन चेन के लिए सबसे पहले ये एक सब्स्टिट्यूएंट और खुद ये सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसको कह दिया गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कहा गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सवाल है, जो इधर से हम लोग 7 पोजीशन पे देख रहे हैं, तो इधर से चलें 1, 5, 6, 11 और 12, इधर से चलेंगे तो ये 6 पोजीशन पर, ये सही और ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इधर से 6 और 6 के बाद 1' मिथाइल 1' PCH3 है ना, तो मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद और मेन चेन में 12 कार्बन, तो क्या बोल दीजिएगा, डोडीकेन। क्लियर है? तो अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें, तो देखें फिर से एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल 1, 7 क्यों कह रहे हैं 7, क्योंकि यहां कार्बन 6 है, CH2 CH2 CH2,
एट, फोर्टीन, फिफ्टीन, क्लियर है? तो ये वन डाइस, टू डाइस, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, एट, क्योंकि दोनों ही तरफ से वन डाइस, वन डाइस, डाई मिथाइल, ये दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट, और मेन चेन में दो कार्बन, तो इथाइल ब्रैकेट बंद, और मेन चेन में फिर 15, तो क्या बोलिएगा, पेंटा डीकेन, पेंटा डीकेन। ध्यान रखें जो ये जो कॉम्प्लेक्स नेम है ये उसी समय वैलिड होगा जब सिंपल नेम पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि हम इस पर एक एग्जांपल देंगे, लेकिन पहले से आप सुन करके रखिए। तो वन सेवन एट, फोर्टीन, फिफ्टीन, तो ये वन डाइस, टू डाइस, थ्री डाइस, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अगेन कह दें, इधर से भी एट नंबर, इधर से भी एट नंबर, तो एट, वन डाइस, टू डाइस, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितना, तो थ्री कार्बन, परोपाइल, और फिर इसके मेन चेन में 15 कार्बन, तो पेंटा डी केन, क्लियर है? अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर से एग्जांपल देखें। हमेशा नोमेनक्लेचर का जब भी बात हो तो मेन चेन, और मेन चेन का मतलब लगातार क्रम में सबसे अधिक कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 7, 8, 9, 17, 18, ठीक है? अब ये वन डाइस, टू डाइस, वन डाइस, टू डाइस, तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये तो अलग अलग है, तो इसका नेमिंग लिख लें, वन डाइस, डाई मिथाइल, और मेन चेन में दो कार्बन, तो क्या बोलिएगा, इथाइल। अगेन यहाँ पे वन डाइस मिथाइल इथाइल, है ना? अब यहाँ पे M से स्टार्ट है और यहाँ पे D से स्टार्ट है, तो कुछ हम लोग जरूरी बात को समझें। नोट में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्केन नंबर लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे उसको, तो हम यहां पे कहेंगे 9, 1 डाइस, 1 डाइस, डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, फिर कितना पे, 8 नंबर पे, तो 1 डाइस मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, और 18 कार्बन, तो क्या बोलिएगा, ऑक्टा डीकेन,
ऑफ द डी कैन। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो हम लोग यहाँ पे देखें जो इफ्स सिंपल नेम इज पॉसिबल देन कॉम्प्लेक्स नेम इज नॉट वैलिड। तो आपसे हम कहेंगे जो बताइए इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। आप लोग बहुत ही खुशी से बनाएंगे, क्या बनाएंगे भी देखिए। 1, 3, 4, 10, 11 इस तरह से आप मेन चेन ले लीजिएगा और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस तरह से लिखा गया नेम गलत होगा, ध्यान दें। ये 1, 3, 4, 10, 11 यदि आपसे कहते जो नेमिंग कीजिए तो यहाँ से कीजिएगा, इसको कॉम्प्लेक्स बना दीजिएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो यहाँ तक हम लोगों को 11 मिला है तो हम यदि यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 10, 11 तो 1, 2, 3, 4, 10, 11 अब ये हम लोगों क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इधर से 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, उधर से चलिए तो 1, 7, 8, 9, 10, 11 उधर से हम लोगों का 8 नंबर और फिर 9 नंबर। ये कंपेयर करेंगे तो ये सही और ये गलत। तो जब इधर से सही हुआ तो ये मिथाइल है और ये 2 और 1 3 कार्बन, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। इसको हम लोग प्रोपाइल कह देंगे। और ये जो देख रहे हैं वे मिथाइल, ये मिथाइल है। अब आईयूपीएसी नेम जब करेंगे तो हम कह देंगे जो पहले ए बी सी डी में एम और पी में कौन पहले आता है, तो एम, इसलिए कितने नंबर पे, तो इधर से ना सही रहा तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल, फिर 4 प्रोपाइल और मेन चेन में 11 कार्बन। तो किस नाम से जाने, अन डीकेन के नाम से जानेंगे। क्लियर है बात। तो अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें, कुछ और आगे बात करेंगे। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन चेन सर्च करेंगे। 1, 7, 8, 9, 15, 16 ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, बन गया ना। अब ये 1 डाइस 2 डाइस 1 डाइस 2 डाइस यदि इसका नेमिंग करें तो 1 डाइस मिथाइल और मेन चेन में 2 कार्बन तो इथाइल, ठीक ना। अब ये दोनों का दोनों तो सेम है, इसका भी नेमिंग यही होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इससे पहले हम लोग बात किए यदि 2 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट रहता था तो क्या यूज करते थे, डाई। 3 के लिए क्या यूज करते थे, ट्राई। 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन जब 2 कॉम्प्लेक्स हो तो उसके लिए क्या यूज करें, 20। यदि 3 कॉम्प्लेक्स हो तो क्या यूज करें, 30। 4 हो तो टेट्राइस या टेट्राकिस पढ़ लीजिए। 5 हो तो पेंटाकिस या पेंटाइस पढ़ लीजिए। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग है उसमें 2 के लिए 3 के लिए ये बदल गया। तो अब हम लोग इसका नेमिंग करें, ठीक ना। ध्यान रखें पटना में यदि केमिस्ट्री में भी किशोर सर नहीं
तो गया, उसका कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक सिंगल सर है जो तीनों ही केमिस्ट्री को हिला करके रखे हुए हैं, और लोग दो दो लोग तीन तीन लोग मिल मिल करके संभाल रहे हैं, कह रहे हैं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन तीनों के अकेला मैं देखने वाला हूं। तो यहां पे चलिए देखें, 8, 9 है ना, 20 किस लिए, क्योंकि दोनों है और कॉम्प्लेक्स है, 20 वन डाइस मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, 16 कार्बन है, तो हेक्सा डीकेन, हेक्सा डीकेन क्लियर है। तो अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें, तो देखें फिर हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए ठीक से पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन करें, है ना, तो सबसे पहले ये ले रहे हैं, ऐसा देख लीजिए, ये कार्बन ले रहे हैं, तो CH3 और इस पे ये लगा दिए, है ना, अगेन इसको ले लीजिए, तो C और ये 4 है, तो इस तरह से 4 लेना पड़ेगा, ये 4 अब हम लोग मेन चेन 1, 2, 3, 4, 5 ये बन गया सबस्टिट्यूएंट, 1 डाइस 2 डाइस, तो 1 डाइस 1 डाइस डाइमिथाइल इथाइल, 1 डाइस 1 डाइस डाइमिथाइल इथाइल, तो कहेंगे अब ये तो दोनों का दोनों सेम है, 1 डाइस 2 डाइस, तो इस केस में तो 20 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इधर से 2, 2, 4, 4, तो देखिए यहां हम लिख रहे हैं इसका 3, 3, 20 1 डाइस 1 डाइस डाइमिथाइल इथाइल, क्योंकि मेन चेन में 2 कार्बन, फिर उसके आगे हाइफन आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है तो लगता है पड़ जाएगा दिखाई, 2, 2, 2, 2 फिर 4, 4, 4, 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर फिनिश कर लिए, अगले रोज कुछ और बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को बार बार कहते हैं जो अपलोड हम कर देंगे PDF में डाल देंगे नोमेनक्लेचर, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट है, जो भी अच्छे होनहार बच्चे हैं वो तो सब ऑफलाइन में आ गए हैं, तो
हम प्रयास करेंगे कल आप लोगों को अगेन इसका पीडीएफ डाल दें ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें, नहीं कुछ से तो कुछ अच्छा होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, और ख़ास के भी किशोर सर का पढ़ाई, जो जिसको न समझ में आए ये हो ही नहीं सकता। यदि भी किशोर सर का पढ़ाई समझ में ना आए तो समझिए डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट करना होगा, और उसमें बीच का रास्ता कोई नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।